पाकिस्तान वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया जिन लड़कियों ने, ज्यादा बाहर से थी? पहले तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो हम लोगों को दो नेशनैलिटीज देने की इजाजत देती है. तो अब जैसे मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, मेरे पास कनाडा का भी पासपोर्ट है. तो जितनी भी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हूँ, क्यों ये इवेंट ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर करती ड्यूल नेशनैलिटी, क्योंकि वो रहते हैं शायद अमेरिका में, रहते हैं यूरोप में, ठीक है. कोई कोई चाइना से भी हमारी कंटेस्टेंट, दुबई से लड़कियां आती हैं, तो उनके पास पाकिस्तानी भी पासपोर्ट होता है और लेट्स से जो भी होता है, मतलब यूरोपियन या अमेरिकन या ब्रिटिश या जो भी, ड्यूल नेशनैलिटी, ड्यूल सिटीजनशिप भी कहते हैं. इसलिए ये इवेंट रियली पाकिस्तानी है, क्योंकि दो दो नेशनैलिटीज के साथ हम लोग आ रहे हैं. ठीक है, हम लोग रहते हैं यहाँ पर हैं, मगर हमारा एक और मतलब हिस्सा पाकिस्तान है और उसकी नेशनैलिटी हमारे तो पास. उसमें एक है कि जो आपने 8 अभी तक किए हैं, तो उसमें से मेजोरिटी पंजाब के थे, वहाँ के जो हम उसको ईस्टर्न पंजाब, पूर्वी पंजाब कहते हैं. जी, आई थिंक 8 साल जो चार लड़कियां, चार पांच लड़कियां पंजाब की है, एक बलोचिस्तान और बाकी एक दो कराची की है. तो आई थिंक पंजाब में वो एक ब्यूटी है, एक वो मतलब इट्स ब्लेस्ड, यू नो, स्टेट हमारा पंजाब, इंडिया और पाकिस्तान का दोनों, ब्यूटी बहुत है और वहाँ के लोग अच्छे हैं, यू नो, खाते पीते तो वाले लोग हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ. सबूत तो सामने है कि आप भी पंजाब से तो ब्यूटी का सबूत तो आप बैठे हैं. तो आई मीन अच्छा लगता है कि यू नो कि वहाँ से भी लोग, मतलब पार्टिसिपेशन ज़्यादा है पंजाब के तरफ से. मुझे नहीं पता, मुझे लगता था कि पंजाब ज़्यादा कंजर्वेटिव होगा, मगर 8 सालों में मैंने देखा कि लाहौर, गुजरात, गुजरावाला और झेलम, झंग, इन सब जगहों से पाकिस्तानी लड़कियां आती हैं जिनका ताल्लुक उन जगहों से है. एक इसमें एक और इवेंट है आपकी, मिसेस पाकिस्तान. जी, मिसेस पाकिस्तान. हाँ, मिसेस पाकिस्तान हम लोगों ने 2007 में शुरू करी थी. उस वक्त काफ़ी मैरिड औरतें जिनके 2-3 बच्चे थे, मगर वो ज़रा अपने आप को मेंटेन करके रखती थी, तो उन्होंने कहा कि यू नो हमें भी इन चीज़ों में आगे जाना है. तो मैंने कहा व्हाई नॉट, जब थोड़ी सी सपोर्ट मुझे मिल रही थी, मैंने कहा हमने शुरू कर दिया. तो हमारी पहली मिसेस पाकिस्तान कराची की थी, बाद में लाहौर की और अब फैसलाबाद पंजाब की. अच्छा. वापस पाकिस्तान से. तो ये 2008, 2009 और 2010 ये तीन लड़कियां जो बनी है मिसेस पाकिस्तान, अभी हमारी नेक्स्ट मिसेस पाकिस्तान जनवरी में बनने वाली है. जी, तो इसमें कोई ये जो प्रेजेंट आपका इसका स्वरूप है, जो कॉन्सेप्ट है या जो इवेंट है, इसको कोई नई प्लान, इसको कोई इसमें चेंजेस लाने की, कोई नया डेफिनेटली इसको मोड देने की कोई डेफिनेटली, क्योंकि कनाडा में तो हो रहा है शो, अब हम चाह रहे हैं कि दुबई में ले जाएं. अच्छा. उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, मॉरिशस, दुबई, ये जो न्यूट्रल मुल्क हैं. वहाँ पर बिजनेस वेंचर भी बहुत सही रहेगा और वहाँ के लोग भी मतलब स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक न्यूट्रल मुल्क है. तो और ये भी हो सकता है कि क्या पता एक बार मुंबई में भी कर लें हम लोग, तो व्हाई नॉट, यू नो, एक हिंदुस्तान को जरूर, व्हाई नॉट, क्योंकि इंडिया को ये देखना चाहिए ना कि हम भी कैसे लोग हैं. आई मीन लोगों को अभी तक वो मौका मिला नहीं कि पाकिस्तानी औरतों को, पाकिस्तानी लड़कियों को या पाकिस्तानी कौम को प्रॉपरली नज़दीक से देखा जाए. तो हम भी चाहते हैं कि हम भी वहाँ जाकर इंट्रोड्यूस करें. नज़दीक से देखोगे, मिलोगे, तो बैरियर अपने आप खुद ही खुद निकल जाएगा, कम हो जाते, खुद ही खुद निकल जाते. तो सोनिया अहमद, बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की उसके बारे में पूरी. तो और फिर आपको आखिर में आपको कहते हैं कि वेलकम कहते हैं हम, कि आओ आप इंडिया, आओ पंजाब, आओ और जलंधर, चंडीगढ़ आओ, जहीं भी आओ, लोग आपको वेलकम करेंगे. पीस होनी चाहिए और लोगों का आपस में जो प्यार होना चाहिए और दोस्ती होनी चाहिए, ये हमारे लोग भी चाहते हैं. ज़रूर.